क्वेश्चन नंबर सिक्स जरा देखिए क्या कह रहे हैं वो आपसे। बोल रहे हैं द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउसहोल्ड्स इन अ लोकेलिटी। मतलब ऐसे कितने हाउसेज हैं जिसमें 100 to 150 रुपीज डेली खर्चा है, ऐसे फोर हैं। ऐसे कितने घर हैं जिनके डेली का खर्चा 150 से 200 रुपीज है, फाइव। और ऐसे कितने लोग हैं जिनका खर्चा डेली 300 से 350 रुपीज है, ऐसे हैं टू। फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय सूटेबल मेथड। आप सूटेबल मेथड अप्लाई करके मीन निकालिए। तो भाई कौन सा सूटेबल रहेगा, एक बार नंबर्स देख लेते हैं। देखो इसको सॉल्व करो, 125 जो कि बहुत बड़ा नंबर है, तो मैं इसको करूंगा स्टेप डेविएशन, सॉरी अज्यूम्ड मीन से करो। इसे करते हैं स्टेप डेविएशन, इससे पहले वाला किया हमने क्वेश्चन, स्टेप डेविएशन से काम चल जाएगा। देखिए जरा पहले निकालते हैं एक्स आई। देखो ये जो गिवन होता है वो क्या होता है आपका एफ आई, एक्स आई निकालना पड़ेगा। फिर हमें डी आई निकालना पड़ेगा जो कि कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस ए। और फिर हमें निकालना पड़ेगा एफ आई और साथ में डी आई, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा इन दोनों को ऐड करो। देखो एक्स आई कैसे निकलेगा भाई, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय टू, मतलब कि आंसर कितना आ जाएगा 125। इन दोनों को ऐड करके डिवाइड करोगे तो 175, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 तो 225, इन दोनों को करोगे तो 275 और ये 325। अब हमें जरूरत पड़ेगी a की। a कैसे निकलता भाई, इन दोनों के बीच की जो वैल्यू है वही हमारा a होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन का मतलब क्या होता है कि जब हम मीन निकालेंगे तो उसका आंसर लगभग इतना आएगा, ऐसा मान रहे हैं, ठीक है। अच्छा इसकी वैल्यू कैसे निकलती है, एक्स आई माइनस ए विच इज माइनस 100, एक्स आई माइनस ए विच इज 150, माइनस 150, एक्स आई माइनस ए मतलब 225 है ये, 50, हाँ 50 आ रहा है, सॉरी 50 आ रहा है, माइनस 50, यहां पर प्लस 50 और यहां पर प्लस 100, ठीक है। अब आप चाहें तो यू आई निकाल लें तो और ज्यादा छोटा हो जाएगा, वरना नंबर ठीक है मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एफ आई डी आई ये हो गया माइनस 400, एफ आई डी आई ये कितना हो गया 225, 250, ये आ गया 0, ये आ गया 100, ये आ गया 200। बताइए बात समझ में आ रही है। अब जरा देखिए हमें जरूरत पड़ेगी सिग्मा एफ आई, किसकी जरूरत पड़ेगी, सिग्मा एफ आई जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है। अज्यूम्ड मीन, हमें अज्यूम्ड मीन जो कि हमने ए लेट किया है विच इज 225, फिर सिग्मा एफ आई हमें गिवन है कितना 25 पक्का, और हमें जरूरत पड़ेगी सिग्मा एफ आई और डी आई जो कि कितना आ रहा है। जरा देखो निकालने का तरीका देखिए, माइनस 400 में से 200 माइनस करोगे तो माइनस 200 बचेगा, इसमें से 100 माइनस करोगे तो माइनस 150 बचेगा या नहीं बचेगा, इसको सॉल्व करोगे तो 350 वो भी माइनस का, तो इसका आ रहा है माइनस 350, ठीक है। हम यूज कौन सा कर रहे हैं, यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। अज्यूम्ड मीन मेथड क्या कहता है कि मीन कैसे मिलेगा, मीन मिलेगा जी ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई ओवर सिग्मा एफ आई। समझ में आ रही बात या नहीं, तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 225 प्लस, डी आई की वैल्यू कितनी है माइनस 350, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये कितना है एफ आई 25, तो 25, तो एक्स यह है 225 माइनस 350 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। अब आप क्या करो उसको 5 से डिवाइड करो, 5 फाइव जा 5 सेवन जा 5 वन जा एंड 5 सिक्स जा 5,
फोर्जा, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, तो यहां पर कितना आ जाएगा, वन वन वन, ये आ रहा है, टू वन वन, टू वन वन। तो मीन एक्सपेंडिचर क्या है, मीन डेली एक्सपेंडिचर इज 211। समझ आ रही बात या नहीं? इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चंस करने हैं, और आई होप कि अच्छे समझ में आ गया हो। नोट कीजिए,